रहे हैं, देखिए तीन अंकों का गुणा। ठीक, तो सबसे पहले 236 में इकाई का अंक क्या है? 6। तो हम इकाई से हर अंक में गुणा करेंगे, तो 6 का पहाड़ा जब हम चार बार बढ़ेंगे तो 6 चौ 24, तो 24 का 4 और हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32, तो 32 का 2 हासिल 3, फिर 6 का पहाड़ा 3 बार, 6 3 18 हासिल जोड़ दिया 19 20 21, तो 21 का 1 हासिल 2, 6 का पहाड़ा कितनी बार? 1 बार, 6 का 6 6 में 2 जोड़ा 8, इकाई से गुणा हमारा कंप्लीट हो गया। हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमको याद रहे। अब हम इसको मिटा देते हैं, इकाई का काम हमारा खत्म हो गया। अब हम दहाई से शुरू करते हैं। दहाई का क्या है? 3। अब बेटा आप लोग गलती क्या करते हो, यहाँ से लिखना शुरू कर देते हो। नहीं, जब हम इकाई से गुणा करेंगे तो इकाई के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, और जब हम दहाई से गुणा करेंगे दहाई के अंक से, तो हम कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? दहाई के नीचे से। ठीक, दहाई का भी सब में 3 चौ 12, तो 12 का 2 और हासिल 1, फिर 3 पंजे 15, 15 में 1 जोड़ा 16, 16 का 6 और हासिल 1, फिर 3 3 3 9 में 1 जोड़ा 10, 10 का 0 हासिल 1 और फिर 3 1 का 3, 3 में 1 जोड़ा 4। इतना समझ में आ गया? Yes, आपको ये पता लगा मैंने 2 के नीचे ही 2 क्यों लिखा? क्योंकि हम किससे गुणा कर रहे हैं? अब दहाई से। ठीक, अब हम इसका भी काम खत्म हुआ, अब हम किससे गुणा करेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा से। तो जब हम सैकड़ा से गुणा कर रहे हैं तो किसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे? सैकड़ा के नीचे से। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अंक के नीचे भी अंक होना चाहिए। फिर 2 का भी सब में गुणा, 2 चौ 8, 2 पंजे 10, तो 10 का 0 और हासिल 1, 2 3 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 2 1 का 2, कुछ बचा है गुणा करने के लिए ऊपर? अब बच्चों जहाँ जहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है ना, यहाँ 0 लिख देते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है इकाई के नीचे दहाई के नीचे, यहाँ भी ना 0 लिख देते हैं। और अब हम गुणा में क्या करते हैं? सबको आपस में जोड़ते हैं। जोड़ दीजिए, 4 में 0 0 जोड़ेंगे 4, 2 2 4, 8 6 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल 1, 8 और 1 9, 7 4 11, तो 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3 हो गया। Yes. आप इकाई से गुणा करेंगे तो इकाई के नीचे से लिखना शुरू करें, दहाई से गुणा करेंगे तो दहाई के नीचे से, और सैकड़ा से शुरू करेंगे तो सैकड़ा।